आज फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम जो एसेंशियल एलिमेंट होते हैं उनमें जो कमी हो जाती है, एसेंशियल एलिमेंट पौधों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, तो उनकी वजह से जो पौधों में वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और साथ ही साथ में उनमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं, वो हम इस वीडियो लेक्चर में ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो अनिवार्य तत्व होते हैं उनके अपर्याप्तता के लक्षण क्या क्या होते हैं, जो पौधे में किस तरीके से दिखाई देते हैं। जैसे कि जो पौधे द्वारा अपर्याप्तता के लक्षण के अंतर्गत क्लोरोसिस आते हैं, नेक्रोसिस आते हैं, और जो पौधों की अवरुद्धि रुक जाती है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है, वो हैं। और अपरिपक्वता, पत्तियों और कलियों का झड़ना, यानी कि पत्ते और कलियाँ जो होते हैं पहले से ही झड़ जाते हैं परिपक्व होने से, कोशिका विभाजन का रुकना, ये सभी जो हैं उनको हम ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे नेक्रोसिस, क्लोरोसिस और जो सेल डिवीज़न होता है वो इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है, कोशिका का विभाजन रुक जाता है और डिले इन फ्लावरिंग हो जाता है, पुष्पन में देरी हो जाती है। तो ये चीज़ों को हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से भी इस वीडियो लेक्चर में समझने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काकू का मग देखिए, यहाँ पे काकू का मग नेक्रोसिस आप याद कर लेंगे, और फिर क्लोरोसिस। देखिए, नेक्रोसिस और क्लोरोसिस में क्या होता है, देखिए जो नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिस में क्या होता है, जो क्लोरोफिल के ह्रास से पीलापन आ जाता है उसको नेक्रोसिस कहते हैं, यानी कि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, उसकी कमी हो जाती है और पीलापन आ जाता है, उसको हम क्लोरोसिस कहते हैं। और जो नेक्रोसिस होता है, नेक्रोसिस में क्या होता है, ऊतकों या मुख्य रूप से पत्तियों की मृत्यु हो जाती है। नेक्रोसिस में क्या होता है, जो टिशू होते हैं और जो पत्तियाँ होती हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उस कंडीशन को हम नेक्रोसिस कहते हैं। और जो क्लोरोसिस होता है उसमें क्लोरोफिल के ह्रास से पत्तियां जो पीली पड़ जाती हैं। तो आप इस माध्यम से ट्रिक से इनको लर्न कर सकते हैं। काकू का मग, नेक्रोसिस, मौसम में जिंदगी का मांगे, आयरन, क्लोरोसिस, सनम के कोशिका विभाजन रुक जाता है, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, और सनम पुष्पन में देरी हो जाती है। इस तरीके से जो वर्ड है इनको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर दी फर्दर अपडेट्स, यानी नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाइएगा जिससे हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड करते हैं वो आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।